कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच रामनगरी अयोध्या में अक्षय नवमी पर 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हुई। बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक के कारण इस वर्ष परिक्रमा मार्ग पर भारी भीड़ नहीं दिखी, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ अयोध्यावासी व साधु संत ही इस परिक्रमा की परंपरा को पूरा कर रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा में लाखों श्रद्धालुओं से पटी रहने वाली रामनगरी अयोध्या इस बार कोरोना के कारण सूनी रही, क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए बाहर के श्रद्धालुओं पर अयोध्या आने पर रोक लगा दी गई और मध्य रात्रि से शुरू हुई इस परिक्रमा को नंगे पांव राम धुन के साथ सिर्फ अयोध्यावासी व साधु संत के साथ कल्पवासी ही इस परंपरा को पूरा करते हुए दिखाई दिए। बहुत अंतर है, अगले साल बहुत भीड़ थी, अब की भीड़ भी नहीं है और चहल पहल भी उतना नहीं है, इसलिए बहुत अंतर है। बचाव की तो हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, बजरंग बली से हमारी आस्था है, उनसे निवेदन है कि इस देश को, इस संसार को कोरोना जैसी भयंकर महामारी से ईश्वर बचाए और जनता की रक्षा करे। परिक्रमा मार्ग पर जनपद न्यायालय के जजों द्वारा श्रद्धालुओं के खाने के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश ने भंडारे का पूजन कर भंडारे की शुरुआत की, तो वही जजों द्वारा अपने हाथ से 14 कोस की परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को भोजन स्वरूप भंडारा बांटा जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि वहाँ इस दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहे। वही जिला प्रशासन ने कोविड-19 को देखते हुए परिक्रमा मार्ग पर मेडिकल सेंटर कैंप भी लगाया। स्टॉल यहाँ पे लगाते हैं जजेस की तरफ से और हमारे पूरे न्यायिक परिवार की तरफ से, और जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वो सब स्टॉल पे आते हैं और प्रसाद लेके जाते हैं। और अभी अभी माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा जो है पूजा की गई और जो है इस स्टॉल का इनॉग्रेशन किया गया और अब प्रसाद वितरित हो रहा है। इस 14 कोसी परिक्रमा आज जो हमारे आराध्य श्री राम जी के पूजन के फलस्वरूप या राम जी के प्रति श्रद्धा के फलस्वरूप हमारे इस अयोध्या परिक्षेत्र के सभी श्रद्धालु जन जो आते हैं, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करने के लिए आते हैं और इस परिक्रमा का विश्व स्तर पर बहुत महत्व है। इस 14 कोसी परिक्रमा ये अयोध्या परिक्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण परिक्रमा है, बहुत पुण्यदायी और फलदायी है।